और तू तो गीत खुशी करी गाले, क्या बात है, क्योंकि माँ एरी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह क्या करना। अरे माँ ऐसे शब्द तू कह रही है, तेरी फरियाद को वो नहीं सुनेंगे, इससे तो अच्छा है अपने बेटे को खुशी खुशी विदा कर। भगत सिंह समझाने लगे और प्रेमी सज्जनों दूसरी कली के माध्यम से समझाया। उससे पहले ये 500 रुपए का पुरस्कार, हमारे बीच में कैमरा लग रहा है और दिल्ली से ये टीम पहुंची है। डायरेक्टर साहब प्रमोद सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए इस पूरे कार्यक्रम को, आप इस शहीद के कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इनका एक चैनल है जवान म्यूजिक, जवान म्यूजिक पर पूरा प्रोग्राम डाला जाएगा और उस पर इस प्रोग्राम को आप 3 या 4 दिन के बाद देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत। डायरेक्टर साहब ने 500 रुपए का पुरस्कार दिया, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली। आइए क्या बताया। ए तेरे दिल में खुशी बहुत थी भगत सिंह के ब्याहने की, दिल की हसरत मिटा लिए ये घड़ी फिर ना आने की, दिल की हसरत मिटा लिए ये घड़ी फिर ना आने की, रोने की ना बात मातियो सब नाचने गाने की, मन की इच्छा पूरी कर ले समय फिर ना ये मन की इच्छा पूरी कर ले सब फिर ना आने की, तेरे पुत की होवे सगाई, तेरे पुत की होवे सगाई, तू खुद बेटे ना प्याले ए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने।
ए मेरे भगवान स्वरूपी श्रोताओं, आपने मेरी रागनी की दो कली ना सुनी हो, लेकिन इस कली को सुनिएगा। इस कली में मेरे हिसाब से सारा निचोड़ रागनी का है। उस भगत सिंह ने कहा, री माँ जब हमारी शादी होगी तो शादी में दूल्हे होता है, बराती भी होते हैं, सगाई भी होती है, लगन भी लिखी जाती है। तो कल्पना कर रहा है भगत सिंह कि आज तेरे बेटे की जब कंगना बांधा जाएगा, उस कंगने की जगह पर क्या होगा, सहरे की जगह पर क्या होगा। माँ ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, भगत सिंह क्या कह रहा है। कैसे? ओ तेरे पुत का, ये तेरे पुत का लगन लिखे माँ, वो गोरा टोपे वाला री कंगने की जगह तेरे पुत के बने लोहे का तालारी। ए कंगने की जगह तेरे पुत के बने लोहे का तालारी। तकते ऊपर होवे बरोटी, फंदा है पर मालारी। ओ सहरे की जगह, सहरे की जगह तेरे पुत ने ओढ़ा टोपा कालारी। ए सहरे की जगह तेरे पुत ने ओढ़ा टोपा कालारी। भगत सिंह की माँ, जब लगन लिखी जाती है तो सबसे पहले एक पंडित की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरी लगन पंडित नहीं लिखेगा। कि माँ तेरे पुत का लगन लिखे वो गोरा टोपे वाला री, वो गोरा लिखेगा लगन। तेरे पुत का लगन लिखे माँ गोरा टोपे वाला री, और कंगने की जगह तेरे पुत के पड़ा लोहे का ताला री। इस तख्ते ऊपर होवे बरोटी, और फंदा है पर मालारी। हाँ। और सहरे की जगह तेरे पुत ने ओढ़ा टोपा कालारी। और मैं तो आजादी ने ब्याहवन चाला, तू खुद बेटे ने ब्याले। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। हाँ। माँ तेरे तीन तीन बेटों की शादी हो रही है, और माँ शादी में बाराती भी होते हैं, बैंड बाजे वाले भी होते हैं। हाँ। तो कवि कल्पना कर रहा है शायद भगत सिंह ने ऐसे ही कहा होगा। और अंतिम कली में क्या लिखा, क्या भारत के नौजवान चला में हद गोला और भूल झड़ी। भारत के नौजवान चला में हद गोला और भूल झड़ी। ओ मेरा आरता करने खातर पुलिस फौज सब लहसे खड़ी, और राम नरेश महेंद्र गांव में कर दे हाथी चार कली। ए राम नरेश महेंद्र गांव में कर दे हाथी चार कली। और कहने लगा कि माँ मेरे जो बराती होंगे और जो बैंड बाजे वाले होंगे, ऐसे वो कौन होंगे। राम नरेश महेंद्र गांव में कर दे हाथी चार कली। राम नरेश महेंद्र गांव में कर दे हाथी चार कली। आगे आगे चले सिपाही रे, आगे आगे चले सिपाही खुद बन के बाजे वाले। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। रोने वाली बात न माता गीत खुशी के गाले। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने खड़े हैं ब्याले।
जोरदार ताली।